हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए मई 2023 कैसे जाने वाला है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी होगी, सेहत कैसा रहेगा, धन संपदा, पराक्रम, भूमि भुवन वाहन सुख, मैरिज लाइफ, भाग्य, कर्मा, लाभ और अंत में खर्च क्या स्थिति बन रही है। तो चर्चा आरम्भ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली पसंद आएगा, तो आप लाइक करिएगा, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। मिथुन लगन, मिथुन राशि, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। अपने आप में आप लोग बेजोड़ हैं, आपके जो गति है ना, उस गति को कोई पकड़ नहीं सकता, तो इसलिए आप लोग बेजोड़ हैं। द्रुत गति से काम करना जानते हैं, हर काम को सही तरतीब से करना जानते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो द्रुत गति से काम करना है, और दूसरा जो तरतीब काम करने के है ना, वो भी बहुत सुंदर तरतीब है आपकी, तो इसलिए आप लोग अपने आप में विशेषताओं को लेकर चलते हैं। आपके बुध महाराज मई की स्थिति देखें, तो बुध में, बुध की मई की स्थिति चूँकि वक्री रहेंगे, और वक्री होने के बाद ये मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को, तो 15 तारीख तक थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। ठीक है, लग्नेश वक्री है, इसका मतलब थोड़ा सा आप आलस युक्त हो रहे हैं। ठीक, आपका सुखेश वक्री है, और वक्री कहाँ हो रहे हैं, तो वक्री ये हो रहे हैं आपके कुंडली में एकादश भाव में, ये आपके लिए लाभकारी है। एकादश लाभ के घर में वक्री, मतलब लाभ की चीज़ें पुनः वापस कर रहे हैं, भाई जो पैसा नहीं आया है, पैसा दो, मेरा पैसा दो, तो आप अपना पैसा वापस ले लेंगे, चाहे वो बड़े लोगों के पास हो, भाई लोगों के पास हो, किसी अन्य के पास है, तो पैसा आप वापस ले रहे हैं कि भाई मेरा पैसा वापस दो। 15 मई के बाद ये फिर मार्गी हो जाएंगे, सिस्टमैटिक ढंग से चलना शुरू करेंगे, तो सेहत आपकी ठीक रहती हुई दिखाई दे रही है। बुध लाभ के घर में है, यहाँ पे सूर्य नारायण के साथ भी रहेंगे, लाभकारी होंगे, गुरु भी साथ में रहेंगे, तो मई श्रेष्ठ परिणाम देगा, डेफिनेटली देगा। कुछ चीज़ों का रखिएगा ध्यान, कुछ चीज़ों का रखिएगा ध्यान, अपने लग्नेश को सदैव बलशाली कीजिएगा। आपके जो शुभ ग्रह हैं कुंडली में, तीन पार्ट जो है ना, लगन, पंचम, नवम, इनका विशेष ध्यान रखिए, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। चंद्रदेव आपके कुंडली में घूमते रहते हैं, तो चंद्रदेव की स्थिति को अगर आपके ऊपर स्वतंत्र वीडियो बनाए तब बताएंगे, नहीं तो चंद्रदेव नॉर्मल इस माह में बेहतर फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य नारायण उच्चता को ग्रहण किए हुए हैं, भाई सूर्य नारायण उच्चता, पराक्रम, सेल्फ मेड योग क्रिएट करने की स्थिति में है। आपका जो पराक्रम है ना, वो सफलता के दरवाजे को तोड़ देगा, पराक्रमी है, लेकिन पराक्रम किसके साथ, बंधु बांधव, छोटे भाई बड़े भाई दोनों मिलके, आप बड़ों का सहयोग लेंगे, छोटों की भी सहयोग लेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों का सहयोग लीजिए, किला ध्वस्त कर दीजिए, सफलता डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लेकिन पॉइंट नोट करके रखिएगा, जब आप मई माह स्टार्ट कर रहे हैं, तब सूर्य नारायण भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, कहाँ पे, भरणी, शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मतलब लोगों से प्रेम से काम लेना है। इसके बाद अंत में ये चले जाएंगे स्वतः के नक्षत्र में, सूर्य नारायण जाएंगे कृतिका, तेज दहना शक्ति लेके चलेंगे कृतिका में, इसके बाद फिर ये द्वादश भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, द्वादश, जब द्वादश में जाएंगे ना, तब थोड़ा सा पराक्रम का अपना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर ये व्यय के घर में चले जाएंगे, तो आप पराक्रम तो बहुत करेंगे लेकिन व्यय होता जाएगा, तो ऐसा भाई गड्ढा खोदिए पानी ना निकले, फिर गड्ढा में मिट्टी डालिए, फिर खोदिए, क्या मतलब है गड्ढा खोदने का, तो मेहनत ऐसी करिए जो सार्थक हो। देखिए मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सही दिशा में मेहनत करना है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, एक मजदूर आदमी करता है, रिक्शा चलाने वाला करता है, कितना कमाता है दिन भर में, 500-1000 रुपये, बेचारा किसी तरह परिवार का गुजारा करता है, और कुछ लोग एसी में बैठ के काम करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे करते हैं, करोड़ों कमाते हैं। तो विवेकपूर्ण ढंग से काम करना है, ऐसा नहीं कि लगे रह जाइए, ध्यान दीजिए कहाँ पर कितनी आवश्यकता है, वहाँ काम करिए, ये स्थितियाँ आपके लिए बन रही है। थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करिएगा, सूर्य जब उच्च के होते हैं ना, ताकत ज़्यादा आ जाती है। द्वादश में जाएंगे तब भी थोड़ा सा जल्दबाज बनाएंगे आपको, कृतिका नक्षत्र में जाएंगे ना, कृतिका के तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पदा द्वादश भाव में होंगे, रोहिणी में जाएंगे आरोहण करना सीख जाएंगे, तो
थोड़ा सा आप खर्चवाद ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन है, खर्च कर देना बहुत आसान है। आपके कुंडली में बुध महाराज आपके सुख के स्वामी हैं, सुख का स्वामी, लाभ के घर में है लेकिन अष्टम है। मम्मी का ध्यान रखिएगा, माता का ध्यान रखिएगा, माँ सुख का मूल है, इसलिए माँ का हर हाल में ध्यान रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कैसा रहेगी आपके प्रेम या लव लाइफ नहीं कहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, तो प्रेम संबंधों के लिए आपकी कुंडली में जो शुक्र महाराज की स्थिति बन रही है, शुक्र महाराज 2 मई से लेके 30 मई तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि मतलब द्वितीय भाव। प्रेम आपके इर्द गिर्द है, परिवार में मुलाकात हो सकती है, कहीं डिनर पे जा सकते हैं, खाने पीने, द्वितीय भाव किसका है, खाने का है, पैसा भी खर्च करने का और खाने का भी है। तो जो प्रेम का स्वामी है वो जा रहा है, मतलब वो बैठेगा कहाँ पे, धन पे, लेकिन खाने पान पे, तो खिलाइए पिलाइए, खिलाने पिलाने से प्रेम बढ़ेगा, साथ में रहेंगे तो प्रेम की स्थिति बेहतर है, संतान की स्थिति बेहतर है, धनात्मक दृष्टिकोण से प्रेम आपका आपको सपोर्ट करेगा, तो लाभकारी है, नुकसान नहीं देगा। आपके कुंडली में ऋण रोग के जो स्वामी हैं वो मंगल महाराज, लेकिन वो लाभेश भी हैं और वो चल रहे हैं आपके लगन में ही चल रहे हैं, 10 मई तक यहीं पे हैं, 10 मई को वो कर्क में प्रवेश करेंगे। तो वो देखिए अभी अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो गुरु आपके कुंडली में क्या है, व्यापार हैं, गुरु आप कुंडली में कर्मा है, तो कर्म व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, थोड़ा स्ट्रेस तो दे रहे हैं, थोड़ा तनाव तो दे रहे हैं। मंगल आपके कुंडली में लगन में बैठ के डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तनाव देंगे, थोड़ा सर दर्द भी देंगे, क्या देंगे, सर दर्द देंगे, तो थोड़ा सा गति मत पकड़िएगा। देखिए इस समय आपको गति से सावधान रहना है, जब तक गुरु चंडाल योग दरअसल ये गति के लिए आपको नुकसान देगा, गति अगर आप पकड़ते हैं ना तो राहु ज़्यादा एक्टिव कर देगा, आपको लगेगा कोई बगल से निकलने ना पाए और उसमें चोट लग जाएगी, पैरों में चोट लग जाएगी, सर पे चोट लग जाएगी, तो ध्यान दे के गाड़ी चलाइएगा। गुरु लाभ के घर में जा रहे हैं, आपके लिए अत्यंत योग श्रेष्ठ फल देने वाला समय है, 12 वर्ष बाद इतना बेहतर समय आ रहा है, फिर नहीं आएगा, मैं तो कहता हूँ कि आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो भाई ना आने के पीछे रीज़न है कि गुरु यहाँ पे अपने राशि में है और शनि भी अपने राशि में है, ऐसा योग आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना मित्र, यह योग दोबारा जीवन में आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए आप। गुरु मीन में है, मेष में है और शनि महाराज अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, मतलब शनि चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कराए, गुरु चाहते हैं आपका लाभ हो, कर्मा का स्वामी लाभ के घर में, भाग्य का स्वामी भाग्य घर में, बताइए ऐसा योग कब बनेगा, जल्दी बनेगा क्या, आपके जीवन में शायद पहली बार बन रहा है, इसका लाभ उठाइए। अश्विनी नक्षत्र में है, गति पकड़ाएंगे, आपके लिए स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा, गुरु आपके एकादश भाव में 12 माह में क्या क्या फल देंगे, लेकिन यहाँ पे मई माह जो श्रेष्ठ वर्ष स्टार्ट होने वाला है उसकी स्टार्टिंग की है, तो बेहतर फल देंगे। शनि भाग्य के घर में है, शनि चाहते ही हैं कि कोई सपोर्ट करो, हम आपको आगे बढ़ाएं, शनि भी आपको आगे बढ़ा रहे हैं। राहु महाराज यहीं पे है, लाभ के घर में है, लाभ के घर में सभी ग्रह लाभ ही देते हैं, तो मई मुस्कुराने का समय है, मई माह में मुस्कुराइए, डेफिनेटली मुस्कुराइए, हर तरह से आपके लिए बेहतर परिणाम मिलने वाला है। गुरु चंडाल योग से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, कब तक, 21 जून तक सावधान रहिए, उसके बाद फिर लापरवाह नहीं होइए, लेकिन उसके बाद टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स से गाड़ी आगे चलेगी। आपके लिए गुरु का गोचर, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाता हूँ गुरु का गोचर, तब तक आपके लिए राधे राधे।